अभी आपने देखा कि टू डिजिट का मल्टीप्लाई किस तरह से निकलते हैं। यदि कोई 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 से करना हो, 125 से करना हो या 625 से करना हो तो उसे किस तरह से किया जा सकता है। अब हम चलते हैं कि कोई डिजिट रिपीट करता हो। एग्जांपल के लिए 11 × 231 सपोज मान लेते हैं ये डिजिट है। अब इसको हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि पूरी वीडियो की क्लास में रिपीट जो करेगा 1 से लेकर 9 तक करेगा, तो हम आपको जो सिखाएंगे मल्टीप्लाई करना 1 से 9 यदि रिपीट करता है तो कैसे निकालेंगे। एग्जांपल के लिए पहला हम देखते हैं फर्स्ट, कि फर्स्ट टाइप है कि अगर 1 रिपीट कर रहा है तो उस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे। चलिए यहाँ 1 3 times है, ये 4 times भी हो सकता है, 5 times भी हो सकता है, 6 times भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ 3 times है, यहाँ पे है 231, गेटिंग। यदि 3 times और 231 है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना वन है उतना डिजिट यहाँ होना कंपलसरी है। यदि नहीं होता है तो आप इस डिजिट के पहले 0 लगा लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम अभी सॉल्व करते हैं और उस डिजिट को भी हम देखेंगे। तो उस स्थिति में आप फॉलो कैसे कीजिएगा। हमारा यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 digits है, तो सबसे पहले स्टेप में जो ये डिजिट है उसको एडजेटिव उतार दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग मत करिए। जो इंट प्लेस पे जो डिजिट है उसको एडजेटिव उतार दीजिए। तो यहाँ 1 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1। यदि वहाँ 9 होता तो वहाँ हम क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, 6 होता तो 6 लिखते हैं, गेटिंग। अब सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में 2 digits को ऐड कीजिए, इस 2 को ऐड कीजिए तो कितना हो गया 4 हो गया, 3 1 4। अब थर्ड स्टेप में देखिए स्टार्टिंग से 3 digits ऐड कीजिए तो ये 4 हो गया और 2 6 हो गया। पता है ऐसा क्यों किया मैंने, याद रखिएगा जितना 1 है उतना ही स्टेप फॉलो करना होगा। यदि यहाँ 2 1 होता, 2 times 1 होता तो यहाँ हम 2 ही स्टेप फॉलो करते। यदि यहाँ 4 times होता तो यहाँ हम 4 times स्टेप फॉलो करते, ठीक है। यहाँ 3 था तो हमने 3 steps फॉलो किया। पहले स्टेप में एडजेटिव उतार दिया, सेकेंड स्टेप में हमने ये 2 digits को ऐड किया और थर्ड स्टेप में स्टार्टिंग का 3 digits को ऐड किया, ठीक है। पहला 1 उतारा, फिर कितना हो गया 3 1 4, और फिर कितना हो गया थर्ड स्टेप को करते हैं, तीनों का करते हैं 1 2 3 को तो हमारा होता है 6। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे कि पहले डिजिट को छोड़ेंगे आप और स्टार्टिंग का 3 digits छोड़ने के बाद जो बच रहा है जहाँ से डिजिट वहाँ से 3 digits को ऐड करिए, क्योंकि हमारा 3 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा तो हमारे यहाँ 2 digits बच रहे हैं, तो उस स्थिति में मैंने क्या बोला कि यदि कुछ नहीं हो तो 0 आगे पुट कर लें। तो ऐड किया तो 3 2 कितना हो गया 5, और 0 करेंगे तो 5 ही होगा। चलिए यहाँ 5 लिखिए, फिर इसको छोड़िए और कंटिन्यू 3 digits को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 2 ही बच रहा है, 0 करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये 2 होगा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा 2 5 6 4 1। समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखिए इस वीडियो को। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं 111 × 2 3 2 1 मान लेते हैं ऐसा। चलिए सॉल्व करते हैं, चूंकि 3 1 है तो 3 steps फॉलो करना है, 4 होता तो 4 steps करते, 5 होता तो 5 steps करते। यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा हमारा 4, ए 1 है तो एडजेक्टिव 1 होगा हमारा। फिर क्या बोला था मैंने, स्टार्टिंग का सेकेंड स्टेप में कंटिन्यू 2 digits को ऐड करेंगे, तो कंटिन्यू स्टार्टिंग का 2 digits ऐड करता है तो क्या होता है हमारा 2 1 3। थर्ड स्टेप फॉलो करना है मुझे, थर्ड स्टेप में हमने क्या बोला था याद कीजिए, हमने आपको ये बोला था कि स्टार्टिंग का 3 digits ऐड करना है, तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6 हमारा 3 steps फॉलो हो गया, क्योंकि यहाँ 3 ही digits है, 3 times 1 है। यदि अब 4 होता तो 4 steps तक चलते,
टू होता था, टू ही स्टेप तक रहते हैं। चलिए, अब हमने क्या बोला था कि जितना स्टेप, जितना वन है उतना स्टेप फॉलो होने के बाद आप पहले डिजिट को छोड़िए और कंटिन्यू थ्री डिजिट को ऐड कीजिए। क्या बोला मैंने? पहले डिजिट को छोड़िए, कंटिन्यू थ्री डिजिट को ऐड कीजिए। तो ये कितना होता है? 3 2 5 और 5 और 2 7। क्लियर, समझ में आ रहे हैं? फिर इस डिजिट को छोड़ेंगे, कंटिन्यू थ्री डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 जीरो रखेंगे तो जीरो ही होगा, तो 5 हो गया। फिर इसको छोड़ेंगे, कंटिन्यू थ्री डिजिट को ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 है। तो आंसर इज दिस। अगर यकीन नहीं है तो कैलकुलेटर आपके पास, आपके फोन में है, आप एक बार चेक कीजिए सही आंसर है या गलत। समझ में आया? यदि नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखिए। आप 4 times वन हम देते हैं आपको, 1 2 3 2 1, गेटिंग? हमने क्या बोला था कि जितने टाइम्स वन है उतना स्टेप फॉलो करना है, लेकिन पहला स्टेप, पहला एजिटी लिखाएगा, तो चलिए एजिटी लिख दिया 1, चलो इसको 4 मान लेते हैं। बार बार हम लोग 1 लेकर के तंग आ गए हैं, हमने 4 माना, इसको 4 लिखा एजिटी। दूसरा स्टेप में हमने क्या बोला था आपको? कंटिन्यू स्टार्टिंग का 2 डिजिट ऐड कीजिए, कंटिन्यू स्टार्टिंग का 2 डिजिट, तो कितना हो गया? 4 और 2 6, गेटिंग? फिर मैंने क्या बोला था? यहां 9 होगा, 6 और 3 9 होता है ना, अब 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 का 1 कैरी कितना हो गया? 1 होगा, गेटिंग? चलिए, अब हमारा 4 स्टेप फॉलो हो गया। 4 स्टेप के बाद हमने क्या बोला था आपको? हमने ये बोला कि स्टार्टिंग का फर्स्ट डिजिट छोड़िए और कंटिन्यू जितना 1 है उतना डिजिट को ऐड कीजिए, यानी 4 है तो 4 डिजिट को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 2 7 हमारे 8 और ये कैरी था 9 हो जाएगा। एक बार फिर जोड़ लेते, 5 और 2 7 और 8 और कैरी 1 9। अब इसको छोड़ेंगे और कंटिन्यू 4 डिजिट का ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 5 1 6, क्योंकि 4 डिजिट नहीं मिला, 0 हो जाएगा वो, तो कितना हो गया? 5 1 6। अब इसको छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और इसको छोड़ेंगे तो कितना बचा? 1। तो आंसर इज व्हाट? 1 3 6 9 1 9 6 4। कैसा लगा ये मैजिक? ये थोड़ा टफ है, इसे समझना बारीकी से पड़ेगा आपको। एक एग्जांपल और देते हैं, बहुत इजी देते हैं। चलिए फास्ट कीजिएगा, अगर ये होता 2 3 1 2 4 तो कैसे करते हैं? चूंकि यहां 3 times था, यहां 4 times था, यहां 2 times है, तो मैंने क्या आपको पहला सब्जेक्ट, पहला क्या बताया था मैंने? मैंने ये आपको बोला कि पहला डिजिट एजिटिव उतार दीजिए और जितना 1 है उतना स्टेप फॉलो कीजिए। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेप में 2 डिजिट को करेंगे तो 2 डिजिट को करेंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। जितना स्टेप था, जितना 1 था उतना स्टेप फॉलो हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जब ये फॉलो हो जाता है तो उसके बाद वो डिजिट को छोड़ना शुरू कीजिए स्टार्टिंग का। तो यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, कंटिन्यू 2 का ऐड किया तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 1 4। फिर इसको छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो क्या मैं एक सवाल और दूं? चलिए एक सवाल देते हैं, फिर देख लीजिए इसको लास्ट। यदि ये सवाल ऐसा होता, 4 times 1 into 2 1 3 मान लेते तो क्या होता? आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताया था इस ट्रिक में कि जितना 1 है उतना डिजिट होना बहुत जरूरी है। बट यहां पे 4 times 1 है, यहां पे 3 डिजिट है, यहां 4 डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट है। तो उस स्थिति के लिए आपको क्या बोला था कि आप 0 पुट कर लें। इसके पहले 0 पुट करते हैं तो इस डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बराबर हो गया। स्टार्टिंग जितना 1 है उतना स्टेप तक हम चलेंगे। चलिए पहला स्टेप फॉलो करते हैं, तो पहला स्टेप एजिटी 3 लिखाएगा, सेकेंड स्टेप में 2 डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 को किया तो 3 1
फोर होगा। थर्ड स्टेप में स्टार्टिंग का तीन डिजिट ऐड करेंगे तो यहाँ पे फोर था, टू कितना हो गया, सिक्स हो गया। हमें फोर स्टेप तक जाना है, तब फोर स्टेप में अब स्टार्टिंग का फोर डिजिट ऐड करना है तो थ्री वन फोर और टू सिक्स और जीरो कितना होता है, सिक्स ही होगा। गेटिंग, हमारा ये चार स्टेप हो गया। अब उस स्थिति में जैसे ही ये फोर स्टेप क्लियर होता है तो हमने आपको क्या बोला था कि जो स्टार्टिंग का डिजिट है उसको रिमूव करना है। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव किया तो स्टार्टिंग से कंटिन्यू फोर डिजिट को ऐड कीजिए, तो फोर डिजिट नहीं मिला, यहाँ थ्री डिजिट है, तो हम इसको करते हैं टू वन थ्री, फिर इसको छोड़ेंगे और कंटिन्यू फोर डिजिट को ऐड करिए तो कितना हो गया टू। अब इसके बाद जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर इज व्हाट, टू थ्री डबल सिक्स फोर थ्री। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। गेटिंग, चलिए यदि ये समझ में आ गया हो तो आप कंटिन्यू दूसरा हम देखते हैं किस तरह से वो बनेगा। रेडी, अब आपका मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या रिपीट वन ही करेगा, क्या वन का ही कोई ट्रिक है या केवल आपको वन ही पढ़ाने आता है। बट ऐसा नहीं है, हमने आपको बोला था कि रिपीट वन टू नाइन होगा और वन टू नाइन तक हम पढ़ाएंगे और वन टू नाइन तक आपको करना सिखाएंगे। चलिए यदि रिपीट टू होता, टू 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 इंटू वन टू थ्री, तो क्या करते, सोचिए ऐसा क्या किया जाए कि ये कैलकुलेशन वन टू फाइव सेकेंड में हो जाए। मुझे बताएं क्या करना है आपको। यहां पे देखें, इस टू में से अगर टू बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ट्रिपल वन और वन टू थ्री बचेगा। ऐसा किया जा सकता है इसको, यदि ऐसा किया जा सकता है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना भी सिखाया गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके टू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेडी, चलिए हम एक सवाल देते हैं, इस सवाल को कैलकुलेशन करते हैं। आप नॉर्मल ऐसा कर लीजिएगा, वन तक आपको पता है। जो नई टेक्निक इसमें हम लगाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट लगाने जा रहे हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट में जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, वन का जो कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे मैंने क्या बोला, पहले डिटेल बना लेते हैं, पहले इस पुराने कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप में थ्री होगा, सेकेंड स्टेप में फाइव होगा और थर्ड स्टेप में सिक्स होगा क्योंकि ट्रिपल वन है। इसके बाद मैंने बोला था कि ये पहला डिजिट को छोड़ेंगे और कंटिन्यू थ्री को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मुझे थ्री मिलेगा, टू वन थ्री, इसको छोड़ेंगे तो कितना होगा वन, ये हमारा ये आएगा और इसमें इंटू टू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये दो स्टॉप थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, पॉसिबल है फाइव सेकेंड में हो जाएगा, बट इसको और कम किया जा सकता है। देखिए कैसे किया जा सकता है, इसको टू इंटू ट्रिपल वन हमने किया, इंटू क्या किया था वन टू थ्री, तो पहले स्टेप एडिटिव फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री। अब इसे डायरेक्ट टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो थ्री टू जा सिक्स, गेटिंग, और दूसरा स्टेप को फॉलो किया तो कितना हो जाएगा, यहां पे फॉलो कीजिए तो कितना हो जाएगा फाइव, अब फाइव टू जा टेन, कैरी कितना हो गया वन क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब तीनों का ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा सिक्स, और सिक्स टू जा ट्वेल्व और कैरी कितना था वन तो थर्टीन हो जाएगा। तीन स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब पहले डिजिट को छोड़ना था ये आपको पता है तो कितना हो जाएगा थ्री, और थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन, इसको छोड़ा तो कितना होगा टू, और टू नहीं वन है ना, तो वन इंटू टू इक्वल टू टू, तो दिस इज द आंसर। चेक करना चाहेंगे चेक कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा टू से सिक्स हो जाएगा, अब फाइव टू जा टेन के जीरो हो जाएगा, टू टू जा सिक्स टू जा ट्वेल्व और एक था ना थर्टीन हो जाएगा, और कितना सिक्स वन सेवन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। देखिए टू सेवन थ्री जीरो सिक्स, आंसर टैली कर रहे हैं। तो ये स्टेप थोड़ा हमारे लिए टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन डायरेक्ट करते हैं तो टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। रेडी, चलिए एक क्लास आपसे सवाल पूछती हैं,
आई होप कि से समझ में जल्दी आ जाएगा। फास्ट कीजिए, 3 2 1 जल्दी कीजिए, आपका टाइमिंग है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड, नहीं चलिए 5 सेकंड देते हैं, 5 सेकंड में करिए फटाफट। हो गया? नहीं हुआ। यदि आपका सॉल्व हो गया तो ठीक है, आंसर का वेट कीजिए, सही आंसर हम बताते हैं या गलत है या सही उसका चेक कर लीजिएगा। आपने जो किया होगा ऐसे किए, 9 × 111 × 321, एक कॉन्सेप्ट तो इन्वर्सल ट्रूथ है, ये लगेगा ही लगेगा, बट ये थोड़ा टाइम लगेगा, 5 सेकेंड में हो तो जाएगा, बट हमने बोला था 2 सेकेंड, याद होगा ये वर्ड मेरा, 2 सेकेंड में क्या संभव है? चलिए देखिए कैसे संभव है। एक ट्रिक याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा 5th 6th क्लास में, यदि 9 चाहे कितना भी क्यों ना हो, 9 चाहे कितना भी क्यों ना हो और कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो जो डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे एग्जांपल हमने लिया है 999 × 321, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो जितने टाइम्स 3 है, सॉरी जितने टाइम्स 9 है उतने टाइम्स 0 पुट कर दीजिए जिस डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 4 टाइम्स नाउन होता तो यहाँ 4 0 पुट करते, यदि 2 टाइम्स होता तो यहाँ 2 डिजिट पुट करते, यदि 1 होता तो 1 से करते। चलिए क्यों किया इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको थोड़ा देर में दे देते हैं, चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद आपको समझ में, एक बार दोबारा हम जाना चाहेंगे वापस, हमने आपको बोला जितना टाइम 9 है उतना 0 पुट कर दीजिए जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट पे, उसके बाद जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट को माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कहता है 10 में से बन गया 9 में से 2 गया कितना हुआ बताइए 7, और 9 में से 3 गया तो कितना हो गया बताइए 6, और यहाँ कितना हुआ 0 2 3, ये आपका आंसर है। एक बार कैलकुलेटर में देखिए क्या ये सही आंसर है या गलत, चेक किया, आई होप ये सही आंसर होगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये देखिए इस रूल को हमने क्यों लगाया, हमने क्वेश्चन दिया था आपको 999 × 321, क्या इसको 1000 − 1 कर सकते थे, कर सकते थे ना, तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 321 पे 000 − क्या होगा 321, यही तो किया था मैंने, कोई अलग से जादू नहीं किया है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, बट शायद आपको याद नहीं होगा, जिसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो हर बातें याद नहीं होती हैं, और खास करके वो बातें जो हमारे काम का हो। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई आपने सीखा, मल्टीप्लाई की और भी टिप्स और भी ट्रिक मेरे पास हैं जो हम आपको देंगे, बट उसके लिए आपसे एक प्रोमिस चाहेंगे, और वो प्रोमिस ये चाहेंगे कि आप मुझसे कमिटमेंट कीजिए कि नेक्स्ट जो वीडियो आप मल्टीप्लाई का देखेंगे तो उसमें 1 to 30 तक टेबल याद कर लेंगे, यदि 1 to 30 तक टेबल याद कर लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके लिए मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो या स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो या क्यूब हो, वो सभी का सभी आप पता है कितने सेकंड में कर देंगे, नहीं पता, 1 to 5 सेकंड में। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आपको हम वेट करिए, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, थैंक यू 1।